नजरें, मेरी अभी अभी त्रिपाठी जी से बात हुई है। हम कल इंडिया चल रहे हैं मॉल की प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। ओके, क्यों रोक दी? You know now we are already getting late. Sorry मैम, आगे भीड़ ज़्यादा है। भीड़? रुको, हम देखते हैं। ये दान पुण्य का काम रोड के साइड में भी किया जा सकता है। इन्हीं लोगों की वजह से इंडिया आज भी वहीं का वहीं है, गरीब। अरे बाहर की कंट्री को देखो, कहां से कहां पहुंच गए। अरे छोड़ो नजरें, हम किसी और रास्ते से चले जाते हैं, क्या इन गरीबों के मुंह लगना। सर आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई हमारे गांव आने में? नहीं नहीं त्रिपाठी जी, वैसे तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, बस रास्ते में कुछ भिखारी मिल गए थे जिसकी वजह से हम थोड़ा लेट हो गए। तो सब क्या लीजिएगा, दूध या छाछ? हम यहाँ दूध या छाछ पीने नहीं आए, अपने मालिक को बुलाओ, प्रॉपर्टी की डील करें और हम सब ये आते होंगे। हमारा अनुराग भैया, मालिक आ गए। मालिक, ये वही लोग हैं जो हमारी जमीन पर मॉल बनाना चाहते हैं। ये तुम्हारे मालिक हैं? हाँ हाँ, ये यही हमारे मालिक हैं। ये तो वही है ना जो रास्ते पे गरीब बच्चों के साथ खेल रहा था। अरे क्या बोले जा रहे हो हमारे मालिक के बारे में? हमारे मालिक इस देश से, इस देश की मिट्टी से और गरीब बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। सॉरी सर, वो बिना जाने मैंने आपको पता क्या क्या भला बुरा बोल दिया था। आई एम रियली सॉरी। सॉरी कोई जरूरत नहीं, अगर आप लोगों ने सिर्फ हमें भला बुरा कहा होता तो शायद आज हम आप लोगों को माफ कर देते हैं। पर आप लोगों ने इस देश को, इस देश की मिट्टी को भला बुरा बोला है, शायद उसके लिए हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। और हाँ, रही बात मोल की, तो हमारी मिट्टी पे मोल नहीं बनेगा, वहाँ पे गरीबों के लिए घर बनाए जाएंगे। चलता हूँ। त्रिपाठी जी, बड़े बूढ़ों ने क्या कहा है, अतिथि देवो भव, इन्हें दूध या छाय पिला कर ही पिता कीजिएगा। जी मालिक। नजरे, मुझे कुछ भी करके ये प्रॉपर्टी चाहिए। यार मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, तुम ही सोचो कुछ। नजरे। हाँ दीपाली। मेरे पास एक आइडिया है। अनुराग, मेरे पैर में मोच आ गई है, प्लीज मुझे मेरे होटल तक छोड़ दो। तुम्हें छोड़ना का कुछ बोलोगी भी, हम ऐसे ही घूमते रहेंगे। एक्चुअली मेरे होटल की की खो गई है, तो क्या आज मैं आपके घर रुक सकती हूँ प्लीज?
मुझसे प्यार नहीं हुआ? हो जाएगा प्यार। अच्छा सुनो, वो मैंने लोन के लिए अप्लाई किया था तो बैंक वालों ने लोकल बंदे की आईडी मांग दी है, तो तुम यहाँ सिग्नेचर कर दोगे क्या? हाँ क्यों नहीं। दो दिन के अंदर ये सारी की सारी जमीन खाली करके भाग जाओ यहाँ से। ये सारी जमीन हमने खरीद ली है, अब यहाँ मॉल बनेगा, समझे? भैया ये जमीन तो अनुराग भैया की है ना? अनुराग की थी, अब हमारी। परेशान मत होइए, यहाँ पर कोई मॉल नहीं बनेगा, जाइए और आराम से रहिए। अबे अनुराग, शायद तुझे पता नहीं है प्रॉपर्टी अब हमारी हो चुकी है, उस दिन धोखे से तूने प्रॉपर्टी के पेपर में साइन कर दिया था, समझा? अबे शहर के पढ़े लिखे गंवारो, एक बार सिग्नेचर तो चेक कर लेते। नजरे ये सब कैसे हुआ? परेशान होने कोई जरूरत नहीं है, रुको मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। त्रिपाठी, इन सारी लोगों पे भरोसा नहीं किया जा सकता, तुम तो अपनी दोनों नजरें इन दोनों पे गड़ा के रखना। सही कह रहे हो अनुराग भैया। ठीक है। नजरे। हाँ दीपाली। मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया? जल्दी बताओ। इन गाँव के लोगों को ना गुस्से से या लड़के नहीं हराया जा सकता, इन्हें प्यार से और धोखे से हराया जा सकता। मैडम आपने एक बात तो सही कही थी कि हम गांव के देसी लोगों को ना सिर्फ प्यार से हराया जा सकता है, पर आपको तो प्यार करना भी नहीं आया। चार दिन विदेश में क्या रह लिया, इस देश की भला बुरा बोलने लगे। ये मत भूलो कि तुम दोनों इस देश की मिट्टी में पैदा हुए हो, अगर इस मिट्टी की इज्जत नहीं कर सकते तो कम से कम इसका अपमान भी मत करो। और हाँ, जिस दिन तुम दोनों के दिल में इस देश की मिट्टी के प्रति इज्जत आ जाए ना, तो आ जाना मॉल बनवाने के लिए। कैसे लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। गाइस अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर जरूर करना और कमेंट करके बताओ वीडियो का बेस्ट पार्ट। और गाइस अपने सजेशन हमें दिया करो कमेंट में और बताया करो आगे हम किस टॉपिक से वीडियो बनाए। और हाँ गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना टीम अनुराग। और गाइस हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, टीम अनुराग के नाम से हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है, आओ वहाँ पे बातचीत करते हैं। आप अपने सजेशन समय बताओ किस टॉपिक पे वीडियो बनाए, क्या कमियां हैं, क्या चीजें इम्प्रूवमेंट करनी है, आओ बातचीत करते हैं। और हमें भी फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, हमसे बातें करो और बहुत कुछ करते हैं। और अपना बेस्ट पार्ट इस वीडियो का हमें जरूर बताना कमेंट में जाके और उसे लाइक जरूर कर देना वीडियो को। एंड थैंक यू गाइज, अगर आप वीडियो लाइक करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलती है, प्लीज गाइज वीडियो जरूर लाइक करना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच आप लोगों का, ऐसा प्यार सपोर्ट बनाए रखना।